Hello friends, welcome to Topmax Tutorials. Today we will start with the topic two-dimensional discrete Fourier transform. पिछले लेक्चर में हमने वन डायमेंशनल डिस्क्रीट फूरियर ट्रांसफॉर्म देखा था. बेसिकली फूरियर ट्रांसफॉर्म क्या करता है, वो इमेज एनहांसमेंट करता है इन फ्रीक्वेंसी डोमेन. तो अभी 2D DFT के न्यूमेरिकल्स में हमें f(x,y) की वैल्यू दी जाती है एंड हमें उसका 2D DFT कैलकुलेट करने का रहता है. मतलब हमें f(u,v) का वैल्यू फाइंड आउट करना रहता है. अभी f(u,v) कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है समेशन ऑफ x=0 to m-1 मल्टीप्लाइड बाय समेशन ऑफ y=0 to n-1 f(x,y) जो वैल्यू हमें दी गई है मल्टीप्लाइड बाय e-j2π ux/m + vy/n. यहाँ पे ये पूरा टर्म e के पावर पे है. वैसे ही अगर हमें f(u,v) की वैल्यू दी जाती है तो हमें उसका 2D IDFT कैलकुलेट करना रहता है. मतलब ही हमें f(x,y) की वैल्यू ढूंढनी रहती है. तो f(x,y) फाइंड आउट करने के लिए फॉर्मूला है 1/m(n) समेशन ऑफ u=0 to m-1 into समेशन ऑफ v=0 to n-1 f(u,v) जो हमें दी गई है मल्टीप्लाइड बाय e-j2π ux/m + vy/n. अभी ये दोनों फॉर्मूला में डिफरेंस क्या है. यहाँ पे एक तो 1/m(n) से मल्टीप्लाई हो रहा है एंड दूसरा यहाँ पे पॉजिटिव साइन है. तो अभी 2D DFT के न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए हमें ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स याद करना पड़ता है. लास्ट लेक्चर में हमने ओमेगा 4 की वैल्यू देखी थी. वहां पे ओमेगा 4 की वैल्यू और यहाँ पे T की वैल्यू दोनों सेम है. आप अगर अलग अलग बुक रेफर करोगे तो वहां पे अलग अलग वेरिएबल से डिनोट होता है तो उससे यहाँ पे कोई फर्क नहीं पड़ता. तो T का वैल्यू याद कैसे करेंगे, हम एक 4x4 का मैट्रिक्स बना लेते हैं. 1, 1, 1, 1 सारे रो एलिमेंट्स 1, बचे हुए कॉलम एलिमेंट्स 1. अभी डायमंड स्ट्रक्चर पे -1, -1, -1, -1, सेंटर एलिमेंट 1. अभी ट्रेस वाले डायगनल पे -j, -j, बचे हुए दो एलिमेंट्स +j, +j. तो अभी हम एक न्यूमेरिकल देख लेते हैं. हमें यहाँ पे बोला है फाइंड द 2D DFT ऑफ द गिवन मैट्रिक्स. तो इसे सॉल्व करने का फॉर्मूला होगा F=TFT. T हमारा ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स है जो हमने अभी जस्ट देखा था, विच इज इक्वल टू 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, डायमंड में -1, सेंटर एलिमेंट 1, यहाँ पे -j, -j, +j, +j. अभी हम हमारा F मैट्रिक्स एस इट इज लिखेंगे 0, 1, 2, 1, 1, 2, 3, 2, 2, 3, 4, 3, 1, 2, 3, 2. वापस से हम यही सेम मैट्रिक्स T कॉपी करेंगे, विच इज 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, -1, -1, -1, -1, सेंटर एलिमेंट 1, -j, -j, +j, +j. तो अब हम ये दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करेंगे. अभी मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन के लिए हम फर्स्ट रो इंटू फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो इंटू सेकेंड कॉलम, फर्स्ट रो इंटू थर्ड कॉलम, फर्स्ट रो इंटू फोर्थ कॉलम, वैसे ही सेकेंड थर्ड और फोर्थ रो के साथ हर कॉलम को मल्टीप्लाई करेंगे, विच विल बी, अभी ये कैसा आएगा, 1×0 + 1×1 + 1×2 + 1×1. ये हमारा फर्स्ट टर्म होगा. मतलब 0 + 1 + 2 + 1 विच इज 4. वैसे ही 1 + 2 + 3 + 2 विच इज 8. 2 + 3 + 4 + 3 विच इज 12. 1 + 2 + 3 + 2 विच इज 8. वैसे अभी सेकेंड रो के साथ 0 - j - 2 + j. यहाँ पे -j + j कैंसिल होगा, मतलब बचा हमारे पास -2. वैसे ही 1 - 2j - 3 + 2j बचा -2. 2 - 3j - 4 + 3j -2. 1 - 2j - 3 + 2j -2.
वैसे अभी थर्ड रो के साथ करेंगे, 0 माइनस 1 प्लस 2 माइनस 1, 0, 1 माइनस 2 प्लस 3 माइनस 2, 0, 2 माइनस 3 प्लस 4 माइनस 3, 0, 1 माइनस 2 प्लस 3 माइनस 2, 0. अभी फोर्थ रो के साथ 0 प्लस j माइनस 2 माइनस j माइनस 2, 1 प्लस 2j माइनस 3 माइनस 2j विच इज माइनस 2, 2 प्लस 3j माइनस 4 माइनस 3j विच इज माइनस 2, 1 प्लस 2j माइनस 3 माइनस 2j विच इज माइनस 2. अब हम ये मैट्रिक्स यहाँ पे एज इट इज लिखेंगे, 1 1 1 1 1 1 1 माइनस 1 माइनस 1 माइनस 1 माइनस 1 सेंटर एलिमेंट 1 माइनस जे माइनस जे जे जे. अभी हम ये दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करेंगे विच इज 4 प्लस 8 प्लस 12 प्लस 8 विच इज 32, 4 माइनस 8 जे माइनस 12 प्लस 8 जे विच इज माइनस 8, 4 माइनस 8 प्लस 12 माइनस 8 विच इज 0, 4 प्लस 8j माइनस 12 माइनस 8j विच इज माइनस 8. अभी सेकेंड रो के साथ माइनस 2 माइनस 2 माइनस 2 माइनस 2 विच इज माइनस 8, माइनस 2 प्लस 2j प्लस 2 माइनस 2j दिस 0, 2 माइनस 2 प्लस 2 माइनस 2 विच इज 0, माइनस 2 माइनस 2j प्लस 2 प्लस 2j विच इज 0. अभी 0 है तो पूरा रो 0 आ जाता है, एज 0 इंटू एनीथिंग विल बी 0. अभी फोर्थ रो के साथ करेंगे, माइनस 2 माइनस 2 माइनस 2 माइनस 2 विच इज माइनस 8, माइनस 2 प्लस 2j प्लस 2 माइनस 2 विच इज 0, माइनस 2 प्लस 2 माइनस 2 प्लस 2 विच इज 0, माइनस 2 माइनस 2j प्लस 2 प्लस 2j विच इज 0. तो ये है हमारा डीएफटी मैट्रिक्स. अभी अगर हमें आईडीएफटी कैलकुलेट करने बोल रहे हैं तो बस हमारा ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स में थोड़ा सा चेंज आएगा और हमारा फॉर्मूला थोड़ा चेंज होगा. तो ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स में क्या चेंज होगा, हमारी जो भी जे की वैल्यूज है वो उसका कॉन्जुगेट हो जाएगा, मतलब जहां पे भी माइनस जे है वो प्लस जे से रिप्लेस हो जाएगा और जहां पे प्लस जे है वो माइनस जे से रिप्लेस हो जाएगा. सिर्फ इतना याद रखना है कि जे की साइन चेंज हो जाती है. तो हमारा टी डैश मैट्रिक्स क्या होगा, याद करने के लिए रो वाले सारे एलिमेंट्स 1, कॉलम वाले सारे एलिमेंट्स 1, डायमंड शेप में माइनस 1, सेंटर एलिमेंट 1, डायगनल में जे जे. यहाँ पे ये याद रखना ये कॉन्जुगेट है तो डायगनल में जे आएगा, और बचे हुए एलिमेंट्स माइनस जे माइनस जे. तो अब हम एक न्यूमेरिकल देख लेते हैं. क्वेश्चन है फाइंड 2D IDFT ऑफ द गिवन मैट्रिक्स. तो ये सॉल्व करने का फॉर्मूला है F इज इक्वल टू 1 अपॉन m इंटू n टी डैश एफ टी डैश. अब यहाँ पे m इंटू n का वैल्यू क्या आएगा, ये हमारा 4 क्रॉस 4 मैट्रिक्स है विच इज m क्रॉस n, मतलब हमारा m का वैल्यू यहाँ पे 4 है और n का वैल्यू भी 4 है. तो m इंटू n का वैल्यू विल बी 4 इंटू 4 विच इज 16. तो F विल बिकम 1 अपॉन 16 टी डैश एफ टी डैश. 1 अपॉन 16 मैं टी डैश वाला मैट्रिक्स लिखती हूँ जो हमने अभी जस्ट देखा था विच विल बी 1 1 1 1 1 1 1 डायमंड में माइनस 1 माइनस 1 माइनस 1 माइनस 1 सेंटर एलिमेंट 1 डायगनल में जे जे. यहाँ पे मिस्टेक मत करना, यहाँ पे प्लस जे आएगा और बचे हुए एलिमेंट्स माइनस जे माइनस जे. अभी एफ के लिए मैं क्वेश्चन एज इट इज लिखूंगी विच इज 32 माइनस 8 0 माइनस 8
माइनस एट जीरो 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 माइनस एट जीरो जीरो जीरो। अभी मैं टी डैश वाला मैट्रिक्स सेम फिर से लिखूंगी, विच इज वन 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 वन, डायमंड में माइनस वन माइनस वन माइनस वन माइनस वन, सेंटर एलिमेंट वन, डायगनल में जे जे, बचे हुए माइनस जे माइनस जे। अब इसे सॉल्व करने के लिए मैं 1/16 को साइड पे रखती हूँ एंड ये दोनों मैट्रिक्स को सॉल्व करती हूँ, विच इज इक्वल टू 1/16। अब मैं ये दोनों मैट्रिक्स को सॉल्व करूंगी, विच विल बी रो इनटू कॉलम, मतलब 32 माइनस 8 प्लस 0 माइनस 8 विच इज 16, माइनस 8 प्लस 0 प्लस 0 प्लस 0 विच इज माइनस 8। अब यहाँ के सारे एलिमेंट्स 0 है तो ये टर्म 0 आएगा, एज 0 इनटू एनीथिंग विल बी 0, माइनस 8 प्लस 0 प्लस 0 प्लस 0 विच इज माइनस 8। अब यही हम सेकेंड रो के साथ करेंगे, विच इज 32 माइनस 8j प्लस 0 प्लस 8j विच इज 32, माइनस 8 प्लस 0 प्लस 0 प्लस 0 विच इज माइनस 8, ये वाला टर्म 0 आएगा, माइनस 8 प्लस 0 प्लस 0 प्लस 0 विच इज माइनस 8। अभी सेम हम थर्ड रो के साथ करेंगे, विच इज 32 प्लस 8 प्लस 0 प्लस 8 विच इज 48, माइनस 8 प्लस 0 प्लस 0 प्लस 0 विच इज माइनस 8, ये वाला टर्म 0 आएगा, माइनस 8 प्लस 0 प्लस 0 प्लस 0 विच इज माइनस 8। अब ये हम फोर्थ रो के साथ करेंगे, विच विल बी 32 प्लस 8j माइनस 0 माइनस 8j विच इज 32, माइनस 8 प्लस 0 प्लस 0 प्लस 0 विच इज माइनस 8, ये वाला टर्म 0 आएगा, माइनस 8 प्लस 0 प्लस 0 प्लस 0 विच इज माइनस 8। अब मैं ये वाला टर्म एस इट इज लिखूंगी, विच इज 1 1 1 1 1 1 1, डायमंड में माइनस 1, सेंटर एलिमेंट 1, डायगनल में j j, बचे हुए माइनस j माइनस j विच इज 1/16। अब मैं ये दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करूंगी, फिर से रो इनटू कॉलम, विच इज 16 माइनस 8 प्लस 0 माइनस 8 विच इज 0, 16 माइनस 8j प्लस 0 प्लस 8j विच इज 16, 16 प्लस 8 माइनस 0 प्लस 8 विच इज 32, 16 प्लस 8j प्लस 0 माइनस 8j विच इज 16, 32 माइनस 8 प्लस 0 माइनस 8 विच इज 16, 32 माइनस 8j प्लस 0 प्लस 8j विच इज 32, 32 प्लस 8 माइनस 0 प्लस 8 विच इज 48, 32 प्लस 8j माइनस 0 माइनस 8j विच इज 32। अब यही हम भी हम थर्ड रो के साथ करेंगे, विच इज 48 माइनस 8 प्लस 0 माइनस 8 विच इज 32, 48 माइनस 8j प्लस 0 प्लस 8j विच इज 48, 48 प्लस 8 प्लस 0 प्लस 8 विच इज 64, 48 प्लस 8j प्लस 0 माइनस 8j विच इज 48। अब यही हम लास्ट रो के साथ करेंगे, विच विल बी 32 माइनस 8 प्लस 0 माइनस 8 विच इज 16, 32 माइनस 8j प्लस 0 प्लस 8j विच इज 32, 32 प्लस 8 माइनस 0 प्लस 8 विच इज 48, 32 प्लस 8j प्लस 0 माइनस 8j विच इज 32। अभी मैं इस मैट्रिक्स को 16 से डिवाइड करती हूँ, विच विल बी 0 1 2 1 1 2 3 2
2, 3, 4, 3, 1, 2, 3, 2. तो ये है हमारा IDFT का आंसर। अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये मैट्रिक्स हमारे पिछले न्यूमेरिकल का क्वेश्चन था। तो ऐसे ही आप DFT और IDFT के न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक दिस वीडियो, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। थैंक यू।